तो मैंने सोचा पहले सब्जी उब्जी बना लेते हैं, उसके बाद बाकी काम करते हैं। तो गाइस मैं हो गया हूँ नहा धो के बिल्कुल रेडी, और मैं निकल रहा हूँ अभी हॉस्पिटल के लिए। जैद की तबीयत पहले से आराम है, यानी कि 25% आराम है उसके तबीयत में। और अभी पायल ने वीडियो कॉल की है ना, पहले सुबह 9 बजे की थी जब आप होके आए थे वहाँ से, तो गोलू उस टाइम सो रही थी, कह रही मैं अब सो रही हूँ। मैंने कहा चल सो जा। फिर मैंने नाश्ता वास्ता भिजवाया, उन्होंने नाश्ता तो किया नहीं, अब लंच कर रहे हैं वही वाला नाश्ता। तो आप जा रहे हो ऊपर चले जाओ, और नारियल पानी दे रही हूँ आपको, 2-3 नारियल पानी ले जाना हॉस्पिटल। ठीक है निकल जाओ, गोलू बहुत तंग हो रही है, गोलू को भेजो यहाँ पे, ठीक है आप वहाँ पे रहो बच्चे के साथ। तो गाइस आज हमने कालू भाई का लुक कर दिया चेंज, और कालू को पहनाएंगे हम रंगीन कपड़े फुल। अब इनको अंकल नहीं हम बनाएंगे, इनको हमारे छोटे भाई। फाइनली गाइज हम पहुंच गए हॉस्पिटल। जैद बेटी, जैद काके ठीक है, मेरी बेटी, मेरी जानू ठीक है? बिल्कुल हम ये नहीं बोल सकते ना ठीक है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, बट हाँ पहले से 10% ठीक है। डॉक्टर क्या कह रहे, कब तक रखने की उम्मीद है? आज रात और कल रात तो है ही नहीं, एक हफ्ते में ठीक होगा, नॉर्मल होगा एक हफ्ते में। कोई बात नहीं, ठीक होना चाहिए। हाँ भाई जैद ठीक है, नमस्ते कर दो। नमस्ते पापा, नमस्ते। हेलो, फिर मैं इसको घुमा के लेके आता हूँ ना, ले जाना। एक काम करता हूँ, शंकर भगवान जी के दर्शन करवा के ले जाते हैं, इनको हरिद्वार लेके जाता हूँ। हाँ इसको जीन माता ले जाना, इसको बाबा लालदास जी के ले जाना, हरिद्वार ले जाना, सारी जगह दर्शन कराना। जल्दी ठीक हो जाए, वैष्णो देवी घूमने जाएंगे। ठीक है तो गाइस अभी अभी जैद कह रहा है कि पापा मुझे बाहर घुमा के लाओ, तो मैंने बोला बिल्कुल नहीं, पहले तो ठीक हो जा, फिर तेरे को मैं घुमा के लेके आता हूँ। चल रहे कहाँ चल रहे, कहाँ चल रहे? मम्मी को बुला दूँ? एक काम करता हूँ तेरे लिए ना छोटा स्कूटर मंगवा देता हूँ, तू घर चला जा, मम्मी को बैठा के ले जाएगा। कितना टाइम लगेगा? 10 साल लगेंगे कह रहा। 10 साल बाद स्कूटर चला लूंगा पापा, मैं चला लूंगा ना। ठीक है चला ले स्कूटर चला ले। अभी अभी जतिन भाई पहुंचे हैं, अपनी ड्यूटी पूरी निभाते हैं जतिन भाई, मतलब कहीं भी हो हॉस्पिटल जरूर जाते हैं बच्चों का ध्यान। तो गाइस अभी अभी मैं घर जा रहा हूँ, अभी अभी पायल की कॉल आई है, तूबा को ना सांस नहीं आ रहा था, तो पायल बहुत घबराई हुई है, बस मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। तूबा को सांस नहीं आ रही। तो गाइस यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने दोपहर का नाश्ता, क्योंकि मैं घर पे गई थी ना शावर लेने के लिए, तो पायल कहती गोलू खाना खा ले, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं किया था खाना खाने का, मैं घर से दूध पी के आई थी, लड्डू खाकर आई थी। तो अब मैं 7 बज रहे हैं शाम की, अब मैं खा रही हूँ क्योंकि अब लग रही है मुझे बहुत तेज भूख। और साथ ही साथ ना मैंने जैद को भी सुला दिया है, और जैद की थोड़ी कंडीशन पहले से ठीक है, बिल्कुल ये नहीं बोल सकती गाइस कि बिल्कुल ठीक है, बट हाँ ये पहले से बेटर है। उसका जो कैनुला है ना बार बार ना ठीक करते हुए दिखाती हूँ मैं कैसे ठीक करती हूँ। तो ये ना यहाँ पे सो रहा है, तो इसका ना बार बार हाथ ऊपर चला, इसको आदत है ऐसे सोने की, मैं इसकी बार बार ड्रिप सही करती हूँ, फिर मेरे को डर भी लगता है कि उठ ना जाए, बट ये सही करना जरूरी है। सोजो बेटी सोजो उठना नहीं है। तो गाइस अभी ना मेरी पायल से बात हुई है, और पायल बोल रही है कि तूबा ना बिल्कुल ठीक है, और साथ ही साथ कालू भाई ने बात करी थी। तूबा के साथ ये हुआ था कि ना मैंने तूबा को फीड कराया, फीड कराने के बाद ना मैं तूबा को नैनी के पास छोड़ के गई कि मैं कुछ काम कर लेती हूँ, तो उसे सुसु कर दिया। नैनी ने एक जो उसकी पजामी होती है चेंज करने के लिए, जैसे ही मुड़ी ना पीछे ना तूबा के मुंह से थूक आने लग गई, वो हड़बड़ाने लग गई। जैसे हड़बड़ाने लग गई ना फटाफट नैनी पायल के पास आई, बोलती इसको गले लगाओ। पायल बहुत डर गई, तो पायल ने डरते डरते कॉल करा। भैया ये क्या होता है, कभी कभी ना बच्चा दब जाता है। अब मैंने भी ना जैद को, जैसे मैं ना अभी 7 शाम के 7:30 बज रहे हैं, तो अभी क्या हुआ मैं ना ऐसी मेरी नींद नहीं आ रही, तो मैं कालू भैया सूरज भैया के साथ बात करने लग गई। तो कालू भैया कहते तू अंदर चल वापस, कभी बच्चे को शाम के टाइम अकेला नहीं छोड़ते। तो कल ना पायल ने ना दे दिया था जैद को इकोनॉम, ठीक है। तो अभी नर्स आई थी देखने के लिए कि जैद उठा है कि नहीं उठा, अभी उठ गया है, तो मैं इसके लिए ना ये पानी मंगवा रही हूँ, बॉयल पानी मंगवा रही हूँ। डॉक्टर ने कहा कि इसको फीड में मत दो, कल फीड में दे दिया, आज पानी में दो, तो ये इकोनॉम मंगवा रही हूँ। इकोनॉम का मैंने पढ़ा भी था, ये ना डायरिया के अंदर दी जाती है ताकि पानी की कमी ना हो, कल मैं नेट पे सर्च कर रही थी। तो गाइज मैं आई थी हॉस्पिटल में जैद से मिलने, क्योंकि सुबह से मैं मिली नहीं थी, तो इसको अभी दवाई दे रहे हैं, जो दवाई इसको 10 बजे के करीब देनी होती ना, तो 10 बज गए, इसको दवाई दे रही है सिस्टर आके। और एक दवाई तो मैंने दे दी है, गोलू के बस की नहीं है वो दवाई देना। गोलू घर पे भी दवाई का कुछ सिस्टम होता था, वो कहती है तू दे दे अपने हाथों से, मैं नहीं दे सकती दवाई, तो दवाई मैंने दे दी है बच्चे को। और अभी थोड़ा सा जो है हल्का सा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा फर्क पड़ गया है पहले से, और डॉक्टर कह रहे थे शायद कल शाम तक छुट्टी मिल जाए, पर मैंने बोला कि नहीं, जब तक इसकी जो लूज मोशन है बंद ना हो ना, खत्म ना हो, तब तक हम इसे डिस्चार्ज नहीं करवाएंगे, यहाँ से यहीं पे रखेंगे। गोलू चल मैं जा रही हूँ, चल ठीक है, संभाल लिया। एक काम कर दी, लंगोट दी एक तरह, भैया लंगोट निकल के देना, पता है लंगोट कहाँ है, लंगोट कैसे होता पता है? भाई ऐसा होता है, हमने बनाई थी वो कहाँ है, वो मेरे को मिले थे पर मैंने नहीं डिस्कार्ड नहीं कर रहे, वो रखे हुए ऐसे ही रखे हुए, आएंगे उनको, मेरा वाला तो नहीं आएगा मुझे लग रहा है, आएगा तो किसी का भी नहीं। दीदी आपने देखा जो लंगोट बनाए थे, घर आओगे तब दिखाएंगे, हमने लंगोट बनाए थे इसने तो इतना बुरा बनाया था, इतना बुरा बनाया था, कोई भी ना पहने ऐसा लंगोट। वो भी गाइस इसने मेरी रस्सी चुराई थी, मेरी रस्सी खराब हो गई थी, लुपी जो थे बची हुई थी गाइस। 2 दिन बाद मैं हंसी हूँ, इतना अच्छा लग रहा ना, शायद पायल भी 2 दिन बाद हंसी होगी है जब हम घर पे होते हैं। मैं तो अभी रोके पे आई हूँ घर पे, पता है तूबा की वजह से।
बस भगवान करे। अच्छा मैंने दीदी को फोन किया, मैं रो रही हूँ दीदी, गाड़ी में रोने लगी बिना देखे दुबा को। दीदी कह रही तू रो मत, मैं आ रही हूँ, तू रो मत, मैं आ रही हूँ। हाँ दीदी होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा। इनको ना दबाव पड़ता है, पर आज दीदी ने दबाव खत्म कर दिया, उनको चवन्नी बांध दी दोनों बच्चों को। अब नहीं डरेंगे, चल ठीक है मैं निकल रहा हूँ, लेट हो जाऊंगी। तो रात के बज गए 10:30, तो मैं सोच रही दाल पी लेती हूँ, क्योंकि दीदी कह रही गोलू मैं चले दाल बना के लाई, साथ में दलिया लेकर आई है, पायल भी आई थी ना, दीदी कह रही दाल पी ले, दाल गरम गरम है नहीं तो खराब हो जाएगी। फिर मैंने ना अपनी जो दाल है दाल निकाल दी है, और अभी कोकोनट ऑयल लगाया था बैथ को, क्योंकि ना बार बार डायपर चेंज करने से ना उसको, डायपर कह रही सॉरी, बार बार लंगोट चेंज करने, डायपर तो पिना ही नहीं रही, मैं लंगोट ही पिना रही हूँ, लंगोट चेंज करने से ना, क्लीन करने से ना सारे के सारे रेडनेस हो गई है। तो दीदी और मैं जितनी बार भी ना उसको नारियल का तेल ही लगा रही है, शो हो गया जान। तो बस गाइस यही है कि फटाफट ना जाए, ठीक हो जाए, ये बच्चा ठीक हो जाए, कुछ नहीं चाहिए, घर चली जाऊँ मैं। हॉस्पिटल में ना 1% का भी दिल नहीं लगता बिल्कुल भी बच्चे घर पे। आज टूबा की तबीयत खराब हो गई, पायल इतना रो रही थी, यहाँ पे जैद है। दीदी का ऐसा होता है कि दीदी यहाँ आती है तो वहाँ जाने का होता है, वहाँ होती है तो यहाँ होने का होता है। सच में दिल बिल्कुल नहीं लग रहा अब तो। अब तो बस ये हो रहा है कि बस भगवान हॉस्पिटल का चक्कर ना कटवाए, बस अब बहुत काट लिया हॉस्पिटल का चक्कर, बिल्कुल ना कटवाए, अपने घर पे हम खुश रहें और बच्चों को कोई तकलीफ ना हो कोई भी। तो अभी ना सपना दीदी मुझसे पूछ रहे थे कि गोलू उसकी छुट्टी का क्या है। मैंने कहा दीदी अभी तो मुझे कुछ नहीं पता ना, मैंने सच में सर से पूछा, सर ने मुझे कहा था 3-4 दिन रहेगा, 3 दिन भी हो सकते हैं, 5 दिन भी हो सकते हैं, 7 दिन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जब तक जहर ठीक नहीं होता तब तक मैं इसको घर लेके नहीं जाऊंगी। मैं पायल को बोल रही थी, मैं पायल कल डिस्चार्ज हो जाएगा, पायल कह रही गोलू नहीं जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक हम घर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे ना जहर सो गया था, तो मैं बाहर से नर्स को बुला के लाई हूँ, मैंने कहा सिस्टर आप चलो मेरे साथ और उसको दवाई पिलाओ, उसको टफ प्रो पिलानी है, जबरदस्ती पिला रहे हैं क्योंकि ये उठ ही नहीं रहा, पर ये उठेगा नहीं तो फिर दवाई नहीं पिएगा। सिस्टर उसको पैर पे ऐसे हल्का हल्का मार रहे हैं, उठा रहे हैं। तो गाइस अभी अभी रात के बज गए 1 और मैं अभी पहुंचा हूं। तो अभी जायद की तबीयत थोड़ी, हम बोल सकते हैं 50% ठीक है, 50% ठीक है, बट ना अभी गाइस इसको डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, वही डॉक्टर कह रहे हैं। हम लोग क्या होते हैं, हम डिस्चार्ज करा के घर जाके बोलते दवाई खा लेंगे, इनका नहीं है ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर है, ग्लूकोज के ऊपर। तो ये धूप है और जायद अभी यहाँ पे है, तो वो तो हम जी हाँ जी जल्दी से ठीक हो जाए, घर ले चलेंगे इसको और उसके बाद सब ठीक होगा। आज थोड़ा सा आपको पता ही है सबको कि सुबह की तबीयत खराब हो गई थी, पायल घबरा गई। तो हाँ मेरी बात हुई पायल से, बहुत बहुत देर तक बात हुई सुबह की तबीयत की वजह से, क्या हो गया कोई बात नहीं हो जाता है कभी कभी ना चीज़ें। देखो क्या ना, हम अच्छी चीज़ें भूल जाते हैं कभी कभी, उतार चढ़ाव आता है, उसको ना फेस करना सीखो, कोई भी हो जाए आप मैं हूँ कोई भी, तो बस ध्यान रखो। बस वो मैं ध्यान साथ बातें कर लेता हूँ, फिर हम दोबारा से आपसे बात करते हैं। तो सपना जब भी आती है ना हॉस्पिटल में उसका ठिकाना होता है। अगर ना कुछ खाना है और तुबा की तबीयत दोबारा खराब हो गई, मैं घर जा रहा हूँ, चलूंगी मैं भी साथ में। तू यहीं रहना, मार डॉक्टर के पास ले जाए, वो डॉक्टर ऊपर ही है, दिखा दे, मैं ले आता हूँ उसको, तू यहीं रह। हाँ लेकर अपन को कॉल कर रही हूँ। तो आजकल ना समझ नहीं आ रहा, यहाँ आते हैं तो तुबा की तबीयत खराब हो जाती है, वहाँ जाती है तो हमें जैद को संभालने के लिए आना पड़ता है। अभी क्या हुआ ना, तुबा दूध नहीं पी रही थी, अचानक से ना वो सांस नहीं ले पा रही थी, बस अभी जाके पायल से पूछता हूँ क्या, नहीं तो फिर एक काम करूँ तुबा को लेके भी मैं हॉस्पिटल आता हूँ और उसको फिर एडमिट करवा देता हूँ या फिर चेकअप करवा लेते हैं क्या दिक्कत क्या है। तो गाइस मैं पहुँच गया हूँ घर। क्या हुआ था अभी? ये हुआ था गुड्डू, ये मेरे साथ सो रही थी, मैं भी सो गई थी कि ना कोई अपने इस वाले कमरे में है कोई बच्चा, उसके हाथ में बिल्ली है, ठीक है, और मैं झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू लगाते लगाते ना मैंने गेट बंद किया, गेट बंद नहीं हो रहा, फिर जैसे मैंने गेट के पीछे देखा ना वो बच्चा बिल्ली खा रहा था, फिर मैं घबरा के उठ गई, फिर दो मिनट बाद ये ऐसे वैसे करने लग जैसे पहले करती थी। नहीं मैं रोई नहीं इस बार रोई नहीं मैं बिल्कुल भी, घबराया भी मत, ठीक है ना। अभी ना क्या है ना, अभी छोटे छोटे खून की बूंद है, अब ना एक तो हमने बंद ही कर दिया, वैसे तो इंटरफेयर करना वैसे कोई आ ही नहीं रहा था, ठीक है, एक तो ना अपना जो अपने कुल देवता ना उनके करना शुरू कर दो, और एक इनका ना मुहूर्त निकलवा लें, इनके राशि नियम रख दो। कई बार ना बच्चों के नाम भी भारी होते हैं, समझ रही है, कई बार ना नाम के हिसाब से जो इनके नाम है ना वो रख दो, और जो ये हमने छोटे नाम रखे ये भी रख लो, तो इनके राशि नेम लिखवा दो जो ये टाइम के अनुसार से हुए ना, राशि नेम रखना भी जरूरी है, कई बार ना नाम भारी हो जाता है बच्चों पे, है ना, और राशि नेम रखते ना देख लियो बहुत ही वो फर्क हो जाएगा। मैं इसको दूध पिलाने की कोशिश कर रही, दूध नहीं पी रही, तुबा क्या हुआ बेटा क्या हुआ, फिर ऐसे लगा रही जोर जोर से रोने लगी और फिर सांस ऐसे से फिर झाग निकालने लगी मुँह से, फिर मैं इसके वहाँ से कमरे से इसके पास गई। ले चले वो डॉक्टर ले चले,
नहीं नहीं ये डर की गुड्डू, मैं भी डरी ना, पहले मैं डरी हूँ इससे। ये मेरे साथ सो रही थी, मैं इतने दिन से डर नहीं रही थी। जैसे मेरे साथ सोई ना पहले, मेरे को गंदा सपना आया, मैं डर के उठी, उसके दो मिनट बाद ये करने लग गई ऐसे। मैं ये लक्ष्य सो गई थी, मैंने चार पांच बार लक्ष्य को मारी। तो गाइस आज कल लोग हम यही समाप्त करते हैं, ध्यान रखो। 2 बज गए आजकल तो ना पता ही नहीं लग रहा रात दिन का, और रोज 2-3 बज रहे हैं, 2-3 बज रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि मामा जाग रहे, भैया बाप भी जाग रहा है, ताऊ भी जाग रहा है, सपना भी जाग रही है, थोड़ा सा टाइम चल रहा है, हो जाएगा ठीक। बाकी आप लोग हैं हमारे साथ।